इतना जाएंगे, इतना जाएंगे वहाँ जगह की कमी हो जाएगी। कहाँ पे? कहाँ पे? लखनऊ। लखनऊ और क्या? किसको सुनने जाएंगे? मायावती। अच्छा अच्छा। चाहे पैदल जाए, चाहे ट्रेन से जाए, चाहे चरपहिया से जाए, मुला पहुँचना जरूरी है। पहुँचना जरूरी है। हाँ। जिस तरह से देखा जाए कि चाहे गाड़ी मिली या ना मिले, हमें पहुँचना जरूरी है। चाहे ट्रेन मिल जाए, चाहे ट्रेन मिली, और चाहे जैसे साधन से हमको सबका मिली, कब ना मिली, मुला पहुँचना जरूरी है। ये देखिए, एजेंट तो चंद्रशेखर जो एजेंट है वो एजेंट कांग्रेस का है, वो वैसी एजेंट जो है बीजेपी का है। कन्हैया कुमार जो एजेंट है वो बीजेपी का है। वो कांग्रेस में ज्वाइन हो गए? हाँ, कांग्रेस में चला गया। अब तो ये सब जो एजेंट काम करते हैं, ये कहीं ना कहीं जनता को बरगलाने काम करते हैं। अभी तक तो 6 बस हो गई है, लगभग 50-60 फोर व्हीलर हो गई है। अभी और गाड़ियाँ हम लोग प्रयास कर रहे हैं, और गाड़ियाँ होगी अभी यहाँ से, तो काफ़ी संख्या में लोग यहाँ से जाएंगे। साथियों नमस्कार। जिस तरह से हम विधानसभा सुराव में पहुंचे हैं और जिला प्रयागराज है, यहाँ पे एक बहुजन समाज पार्टी का कार्यक्रम था, मीटिंग था, समीक्षा बैठक थी। यहाँ पे पता चला है कि 9 अक्टूबर को जो है लखनऊ में बहन मायावती एक कार्यक्रम कर रही हैं, मानवर कांशीराम साहब की पुण्यतिथि है, उस कार्यक्रम को लेकर यहाँ पे मीटिंग थी। तो इस मीटिंग में क्या सीख मिली आपको? अब मीटिंग में कहा भाई, सारी हमारी जनता बड़ा खुशी मना रही, हमारी बहन जी का कांशीराम के पुथा में हमको सबका पहुँचना, चाहे पैदल जाए, तो चाहे ट्रेन से जाए, चाहे चरपहिया से जाए, मुला पहुँचना जरूरी है। पहुँचना जरूरी है। हाँ। जिस तरह से देखा जाए कि चाहे गाड़ी मिली या ना मिले, हमें पहुँचना जरूरी है। चाहे ट्रेन मिल जाए, चाहे ट्रेन मिली, और चाहे जैसे साधन से हमको सबका मिली, तब ना मिली, मुला पहुँचना जरूर है। अच्छा, क्या नाम है आपका? हमारा पत्ती देवी। अच्छा अच्छा। हाँ। क्या बसपा से कोई पदाधिकारी हैं आप? पदाधिकारी क्या, सोराम विधानसभा संयोजका पत्ती देवी। हमारे साथ में और भी लोग हैं, उनसे भी जानेंगे कि क्या राय है उनकी, क्या नहीं है, जो है लखनऊ में किस तरह से जा रहे हैं, कितनी गाड़ी जा रही है, कितनी की संख्या जा रही है। तो सर आपका परिचय? मेरा नाम जगदीश गौतम है, सेक्टर प्रभारी हूँ प्रयागराज मंडल का। हमारे साथ में सेक्टर प्रभारी प्रयागराज मंडल हैं, हम इनसे भी जानेंगे कि अभी बात हुई कि जो है 9 अक्टूबर को लेकर यहाँ पे बैठक थी, तो 9 अक्टूबर को जो है आपका प्लान क्या है, किस तरह से जा रहे हैं? हमारे मसीहा का परिणाम दिवस है, मानवर कांशीराम साहब ने, जिसने इस पार्टी को बनाया है, बहुजन समाज पार्टी को। तो यहाँ से लगभग कम से कम 1000 कार्यकर्ता सोराम विधानसभा से जाएंगे। अभी तक तो 6 बस हो गई है, लगभग 50-60 फोर व्हीलर हो गई है। अभी और गाड़ियाँ हम लोग प्रयास कर रहे हैं, और गाड़ियाँ होगी अभी यहाँ से, तो काफ़ी संख्या में लोग यहाँ से जाएंगे, क्योंकि हमारे मसीहा मानवर कांशी राम साहब ने 1-1 रुपये चंदा लगाकर बहुजन समाज पार्टी को खड़ा करने का काम किया है। तो हमारे कार्यकर्ता बहुत उत्साहित हैं वहाँ जाने के लिए, इसलिए कि वहाँ हमारे कार्यकर्ता तो ट्रेन से जाते हैं, मोटरसाइकिल से, साइकिल से भी चले जाते हैं। यहाँ तो बस और चार पहिया वाहन का आज सुविधा हो गई, इससे तो जा ही रहे हैं, लेकिन काफ़ी संख्या में हमारे ट्रेन से भी लोग जाएंगे। जिस तरह से देखा जाए तो बहुजन समाज में बहुत लोग कमज़ोर स्थिति से होते हैं, आर्थिक स्थिति से कमज़ोर होते हैं, तो वो ट्रेन से भी जाएंगे और गाड़ी से भी जाएंगे। बताया जा रहा है कि 6 बस हो चुकी है और फोर व्हीलर जो है अनगिनती है, क्या सही है ये? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो आपका नाम क्या है? जी, मेरा नाम वीरेंद्र कुमार गौतम है। अच्छा अच्छा जी, कहाँ से हैं? मैं कठोर परवेजपुर सेक्टर अध्यक्ष। ये मीटिंग में जो आप आए थे, क्या सीखने को मिला? जी, हम लोग इस हमारी 2 तारीख को जो परंपरागत मासिक बैठक होती है, उसी में बुलाया गया था हम लोगों को, और बताया गया कि 9 तारीख को हमारे मानवर मसीहा कांशीराम साहब का परिनिर्वाण दिवस है, हम लोगों को जाना है उसमें। तो जैसे जैसे भी साधन मिलेगा, जैसे हमारे यहाँ कुछ बस हुई हैं, फोर व्हीलर हुई हैं, अगर उसमें नहीं अट पाएंगे हमारे कार्यकर्ता, तो हम लोग ट्रेन से भी जाने का काम करेंगे। आपका नाम बता क्या? हाँ, केदारनाथ चौहान। अच्छा। क्या लगता है आप कितनी संख्या में जाएंगे लखनऊ? अरे, हम लोग काफ़ी तादाद में यहाँ से जाएंगे, हमारे सेक्टर से काफ़ी तादाद में कार्यकर्ता जाने के लिए तैयार भी हैं, जो साधन से हो जाए, बस से जाएंगे, फोर व्हीलर से जाएंगे, ट्रेन से भी जाने का इरादा है, हम लोग जाएंगे, मानवर अपने मसीहा साहब के परिनिर्वाण दिवस को सफल बनाएंगे। ठीक, मेरा नाम। जिस तरह से यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पे सभी समाज जो है इकट्ठा है, और बहन मायावती जी को सुनने के लिए 9 अक्टूबर को जो है प्लान कर चुका है, किस तरह से हम जाएंगे और भारी सी भारी संख्या में जाएंगे। दादा, आपका परिचय? आप जो है अभी बुजुर्ग हैं, तो हम जानना चाहेंगे आपका नाम क्या है? हमारा नाम मोतीलाल मौर्य, बड़गांव। बड़गांव से हैं? अच्छा। तो कितने समय से बहुजन समाज पार्टी से जुड़े हैं? हम इतना जाएंगे वहाँ जगह की कमी हो जाएगी। कहाँ पे? कहाँ पे? लखनऊ। लखनऊ और क्या? किसको सुनने जाएंगे? मायावती के। अच्छा अच्छा। वहाँ पे जो है कांशीराम साहब मसीहा। अच्छा। राम खिलारे चौधरी। अच्छा, कहाँ से हैं? मैं
बलईमऊ गाँव से बलईमऊ है। मैं यहाँ का सेक्टर अध्यक्ष हूँ सर विधानसभा का। जिस तरह से यहाँ पे सभी लोग बता रहे हैं कि हम लखनऊ चलने की स्थिति में और लखनऊ का प्लान कर चुके हैं, तो हम बात करेंगे चुनाव को लेकर। अच्छा, चुनाव को किस नज़र से देख रहे हैं 2022? चुनाव हम लोग जीतेंगे। अच्छा, हाँ पूरा अपनी सरकार बनाएंगे लखनऊ में। हाँ, लखनऊ में बनाएंगे। अभी भाई मैं विधानसभा चुनाव की बात कर रहा हूँ। सुराव हमारे विधायक बनाएंगे अपना हम। अच्छा, विधायक बनाएंगे। बनाएंगे विधायक। और भी साथी से बात करेंगे जो है, हमारे साथ में बहुत लोग मौजूद हैं, काफ़ी भीड़ है। जानेंगे कि लगातार यहाँ पे सुनने को मिल रहा है, यहाँ पे जो है हजारों की तादाद बताया जा रहा है कि 6 से ज़्यादा भी बस हो सकती है। हम बहन मायावती को सुनने के लिए जाएंगे। आपका पर्चे? राजेंद्र दिवाकर। अच्छा, क्या लगता है कितनी भीड़ जाएगी यहाँ से? लगभग 2000 के लगभग हमारे विधानसभा सुराव से कार्यकर्ता साथी लखनऊ के लिए जा रहे हैं। पर निर्वाण दिवस पर जो है कार्यक्रम कर रहे हैं, उनको सुनने के लिए जो है आप लोग जा रहे हैं। जी 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 जी। इसको लेकर जो है अपने विधानसभा चुनाव में युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं? हम युवा लोगों से यही निवेदन करेंगे, यही सुझाव देंगे कि अपने पुरखों के पर निवारण दिवस पर जो है सभी लोगों को लखनऊ चलना चाहिए, और लखनऊ जा करके अपने मसीहा मानवर कांसीराम साहब को श्रद्धांजलि अर्पित करें, और साथ साथ जो है बहुजन समाज पार्टी का मोमेंट है उसको बढ़ाएंगे, और तभी जो है हम सबका कल्याण हो सकता है, युवाओं का कल्याण हो सकता है। बाकी जो है किसी भी सरकार में युवाओं का कल्याण तो कतई नहीं हो सकता। जिस तरह से हमारे साथ में बहुत साथी लोग जुड़ चुके हैं, आपका परिचय क्या है? मैं मुलायम सिंह गौतम, सेक्टर प्रभारी हूँ। कहाँ से? ये गोरखपुर पड़ता है, सेक्टर प्रभारी, सेक्टर अध्यक्ष हूँ मैं, मुलायम सिंह गौतम। मैं यही कहना चाहता हूँ कि 69,000 से मैं थोड़ा बाहर हुआ हूँ। अच्छा अच्छा, ये योगी जी की देन थी कि मैं 69,000 से बाहर हो चुका हूँ, वरना आज मैं पोस्टेड होता प्राइमरी सहायक अध्यापक के। देखिए, मैं यही कहना चाहता हूँ कि बहुजन समाज पार्टी के लिए संवारेंगे तुझे, निखारेंगे तुझे, जिसका कोई तौर नहीं। अरे हम भी B.R. अम्बेडकर के पदचिन्ह पर चलने वाले हैं, कोई और नहीं, ठीक है ना। रही बात है कि नवयुवक ही किसी भी पार्टी का दिशा और दशा बदल सकती है, लेकिन जो है नवयुवक जो है चंद्रशेखर के साथ जुड़ रहा है। नहीं, ये देखिए, एजेंट तो चंद्रशेखर जो एजेंट है वो एजेंट कांग्रेस का है, वो वैसी एजेंट जो है BJP का है। कन्हैया कुमार जो एजेंट है वो BJP का है, वो कांग्रेस में ज्वाइन हो गए। हाँ, कांग्रेस में चला गया अब तो। ये सब जो एजेंट काम करते हैं, ये कहीं ना कहीं जनता को बरगलाने काम करते हैं। अच्छा, चुनाव की नज़र आप बात कर रहे हैं, चुनाव को लेकर हम बात करें तो आपके विधानसभा चुनाव से MIM का भी प्रत्याशी उतारा जा रहा है, क्या नज़र है आपका? वो सब बस एक देखा जाएगा, जनता को मैंने कहा ना कि जनता को सिर्फ भरमाने का काम करेंगे बस, लेकिन हमारा जो साथी है बहुजन समाज पार्टी का, वो तन मन धन से एक परिवार समझता है, और परिवार की भांति इसमें लगा भी है। और जहां तक हो सकता है, देख लीजिएगा 2022 में जो सरकार बनेगी, हमारी बहन जी सरकार बनेगी। अभी हम चुनाव विधानसभा से बाहर निकल कर बात करना चाहते हैं, जो है पूरे उत्तर प्रदेश की बात करना चाहते हैं, क्या लगता है कि कितने सीटों से जीत होगी? देखिए, जहाँ तक मेरा विचार है, पूर्ण बहुमत सरकार तो नहीं मान सकते हैं, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा कि EVM मशीन जिंदाबाद, BJP इसका फ़ायदा अच्छा उठाती है EVM का, कहीं ना कहीं घोटाला हुआ तो EVM जिंदाबाद है। लेकिन तब पर भी हम लोग बढ़ चढ़ के ये सोचते हैं कि कम से कम 200-250 सीट अगर हम निकाल लेते हैं तो हमारा काम हो जाएगा। आप अभी EVM की बात कर रहे थे, आप EVM की बात जब कर रहे हैं तो EVM पे जो है विरोध क्यों नहीं करते हैं? विरोध करते हैं, कहते हैं नहीं कि अगर एक लट्ठे तोड़ना आसान है, लेकिन वही 10 लट्ठा हो जाए तो उसको तोड़ना मुश्किल हो जाता है। तो हम लोग करते हैं, लेकिन और जो पार्टियां हैं इसके खिलाफ़ बोलने का कोई कदम ही नहीं उठाती। अच्छा, लेकिन हम लोग बोलते हैं बराबर, तन मन से हम लोग विरोध करते हैं, ठीक है ना। लेकिन और जो पार्टियां हैं वो बोलने का काम नहीं करती। यहाँ पे जो है बता रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी जो है EVM के विरोध बोलती है, लेकिन अन्य पार्टियां नहीं बोलती है। इसी के साथ बहुत सारी साथी जो है फिर से जुड़ चुके हैं, हम उनसे भी जानेंगे कि जो है अब जो चुनाव होने वाले हैं उनके बारे में जानेंगे। आपका नाम क्या है? अजय कुमार गौतम जी, सेक्टर अध्यक्ष। निवादा से। क्या लगता है अब इस बार चुनाव को देखते हैं, क्या नजर से देखते हैं? इस बार चुनाव तो बहुजन समाज पार्टी बहुत ज्यादा तादादों में सीट निकालेगी, 300 के ऊपर। अच्छा, 300 के ऊपर निकालेगी। तो अच्छा, ये बताइए, आपके विधानसभा चुनाव से बात करते हैं, क्या लगता है कौन आ रहा है प्रत्याशी के रूप? अभी प्रत्याशी के कोई चेहरा सामने नहीं आया है, बहुत जल्द ओपन हो जाएगा। अच्छा, क्या आप लखनऊ जा रहे हैं? लखनऊ बिल्कुल जा रहे हैं। अच्छा,
कितने साथियों के साथ जा रहे हैं? अरे हम 150 आदमी के साथ जा रहे हैं। अच्छा, किस साधन से जा रहे हैं? हमारे पास बस बुकिंग है। अच्छा, बस बुक किया है? जी हाँ। अच्छा, उसमें अपना पैसा लगा कर हम लोग बुक किए हैं, किसी का कोई सहारा नहीं है। यहाँ पे जो है जनता ये कह रही है और ये बता रहे हैं कि हम जो अपना पैसा लगा कर लखनऊ जा रहे हैं, तो आपका नाम क्या है? शुभनाथ यादव। शुभनाथ यादव कहाँ से हैं? मऊआमा से। अभी आप मीटिंग में आए थे क्या? मीटिंग में क्या मिला सीखने को आपको? जो है 9 अक्टूबर को लेकर यहाँ पे समीक्षा बैठक थी, क्या लगता है कितनी भीड़ जाएगी? लगभग कम से कम 10,000 भीड़ मऊआमा से जाएगी। 10,000 भीड़ जाएगी मऊआमा से। विधानसभा क्या लगा सुनावे? चलिए हम और भी महिलाओं से बात करते हैं, काफ़ी महिलाएं भी हैं, उनसे भी बात करते हैं। आइए इधर चलते हैं, आइए मौजूद हैं, हम उनसे भी जानेंगे कि जो है लखनऊ जा रहे हैं लोग, तो लखनऊ के लिए इनका क्या प्लान है, लखनऊ जाने की प्लान है? जी जी। कैसे जाएंगे? अरे जैसे साधन कोई मिले तो ना मिले तो अपनी मजबूती से बढ़ाने के लिए काम जाएंगे। ट्रेन से जाएंगे क्या? ट्रेन से जैसे ही मिलेगी साधन ट्रेन से जाएंगे, बस से जाएंगे, जैसे हो सकेंगे उसे जाएंगे। अपनी बहुजन समाज की पार्टी के बढ़ाने के लिए, ताकत के लिए, बहन जी कुमारी बहन बनाने, मायावती जी को जो है सरकार बनाने के लिए जा रही हैं। जी जय भीम भारत। ठीक है, आइए। जैसे आप लोगों ने सुना कि यहाँ की जनता जो है मन बना लिया है, 10,000 संख्या 20,000 की संख्या में जो है लखनऊ जा रही है, और 2022 के विधानसभा आगामी चुनाव को लेकर बहुजन समाज पार्टी के मुखिया मायावती को सरकार बनाएगी।